ऑनलाइन जॉब और वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया काबू। सैकड़ों लोगों से कर चुके हैं लाखों की जालसाजी। बदमाशों से करीब 2 लाख की नकदी भी हुई बरामद। करनाल पुलिस ने ऑनलाइन नौकरी व वर्क फॉर्म होम के नाम से लोगों को ठगने के गिरोह चला रहे दो बदमाशों को काबू किया है। गिरोह का मुख्य सरगना बिहार निवासी है और नोएडा से ऑपरेट कर रहा था, जबकि उसका एक सहयोगी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके से गिरफ्तार हुआ है। ये बदमाश ऑनलाइन नौकरी देने का ऑफर देते थे। नौकरी और वर्क फार्म होम का झांसा देकर बदमाश उनसे रजिस्ट्रेशन और जीएसटी के नाम पर मोटी रकम ऐंठते थे। एक महिला की शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को काबू किया है। 29/4/22 को हमारे पास एक महिला ने शिकायत की थी। उस शिकायत के ऊपर मुकदमा नंबर 5 हमने दर्ज किया था, जिसके अंदर 419, 420, 67, 871, 120 बी आईपीसी हमने दर्ज किया था। उस महिला के साथ ये जो हमारे यहाँ जो एक्यूज अरेस्ट है, इन्होंने ऑनलाइन जॉब के नाम पर, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, सैलरी देने के नाम पर, सैलरी रिलीज करने के नाम पर उनसे रजिस्ट्रेशन चार्ज, कभी जीएसटी चार्ज, कभी फाइल अपडेशन के चार्ज पर 3,47,000 रुपये ठगे गए थे। ये है सर मैटर। क्या कार्रवाई की जा रही है? तो सर इसमें हमने जो तकनीकी विश्लेषण करके, जो हमारे आईटी सेल की टीम है, हमने पूरा इसके ऊपर वर्क किया। वर्क करने के बाद हमने इसमें कुछ नंबर्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे हाथ लगी, जो आरोपी तक पहुँच के, ठीक है सर, तो आरोपियों को हमने अरेस्ट किया। क्या बरामद हुआ? कहां से गिरफ्तार हुए? क्या बरामद हुआ सर? दो एक्यूज गिरफ्तार हुए हैं। फर्स्ट जो मास्टरमाइंड है वो बिहार का रहने वाला है, सीतामढ़ी का, और वो सेक्टर 56 नोएडा से अरेस्ट किया, जो सर उसका मुकेश कुमार राज है। और जो दूसरा आरोपी है वो चावड़ी बाजार दिल्ली का, वो को एक्यूज है, जो इसके साथ मिलकर काम करता है। कितने मुलजिम हैं? कुल इसमें 2 मुलजिम है सर। बरामदगी सर, बरामदगी हुई है इसमें 2,52,000 रुपए की रिकवरी हुई है, और जिस कंप्यूटर से ये जॉब एग्रीमेंट वगैरह जो फर्जी बनाते थे वो कंप्यूटर रिकवर किया, और जिन फोन से ये कॉल करते थे वो फोन हमने रिकवर किया, और जिन फोन से ये UPI से पैसे ट्रांसफर करते थे वो फोन हमने रिकवर किया। कितनी घटनाओं को अंजाम दिया सर? करीब करीब 100 के करीब लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया, ज्यादातर लेडीज के साथ। आज अदालत में पेश किया जाएगा? जी, आज हमने इनको 12 तारीख को अरेस्ट किया था, नहीं 11 तारीख को अरेस्ट किया था, 12 तारीख को हमने पेश करके इनको कोर्ट में, तो 2 दिन का रिमांड लिया था। करनाल में भी ऐसा एक ही मामला आया या और? सर करनाल का भी एक ही मामला सामने आया। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी?